जेल जाएंगे संजय दत्त। अगले चार हफ्ते में करना होगा सरेंडर। अवैध हथियार रखने के केस में मिली 5 साल की सजा, सुप्रीम कोर्ट ने सजा 6 साल से घटाकर 5 साल की। सजा सुनते ही घर में रो पड़े संजय दत्त। सुप्रीम कोर्ट के बाहर छलके बहन प्रिया दत्त के आंसू। मुन्ना भाई को अगले 3.5 साल गुजारने होंगे सलाखों के पीछे। वकील ने कहा दायर कर सकते हैं पुनर्विचार याचिका। संजय दत्त की सजा से बॉलीवुड को 1,000 करोड़ का चूना। जंजीर और घनचक्कर की रिलीज पर ग्रहण। राजकुमार हिरानी की फिल्म पीके और मुन्ना भाई चले दिल्ली की रुक जाएगी शूटिंग। 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस के मास्टरमाइंड याकूब मेमन को फांसी की सजा बरकरार। 17 दूसरे दोषियों की उम्र कैद की सजा भी कायम। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पाकिस्तान की साजिश का जिक्र। संसद में गूंजा स्टालिन के घर सीबीआई की छापेमारी का मुद्दा। संसद के दोनों सदनों में डीएमके का हंगामा। प्रधानमंत्री और चिदम्बरम ने जताई हैरानी। बीजेपी ने बताई बदले की कार्रवाई। सीबीआई डायरेक्टर को नहीं थी छापे की जानकारी। देशभर की यात्रा पर निकलेंगे अन्ना हजारे। पंजाब के जलियांवाला बाग से शुरू होगी जनतंत्र यात्रा। अन्ना ने कहा अरविंद केजरीवाल से मेरा कोई संबंध नहीं।